Dear students, a very good afternoon. आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1, रैशनल नंबर्स. What are rational numbers? The numbers of the form a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0, are called rational numbers. Okay? तो वो नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 5/8, देखिए इस नंबर के पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है. माइनस थ्री कैसे है एक रैशनल नंबर? देखिए चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हों जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, ये भी रैशनल नंबर हैं. क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है. ओके, तो हम इस नंबर को -3 को -3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ. इसी तरह से -7/9, 1 भी है ना एक रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है. तो इसे भी हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, तो सारे इंटीजर्स भी, मतलब कि सारे होल नंबर्स भी, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, ये सब भी हमारे रैशनल नंबर हैं. नेक्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल्स एंड नेगेटिव रैशनल्स. पॉजिटिव रैशनल्स हम लोग उन रैशनल नंबर को कहते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होता है, मतलब कि या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होते हैं. देखिए एग्जांपल, यहाँ पर न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 7. इन दोनों के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि इन दोनों के आगे प्लस साइन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं. सिमिलरली यहाँ पर देखिए -2 और -3, ये दोनों हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, तो देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो पॉजिटिव रैशनल्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम साइन होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव. एंड व्हाट आर नेगेटिव रैशनल्स? नेगेटिव रैशनल हम उन रैशनल नंबरों को कहते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास ऑपोजिट साइन होते हैं, मतलब कि या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है. कोई साइन नहीं लिखा है 9 के आगे, मतलब कि 9 क्या है? पॉजिटिव है. इसी तरह से यहाँ देखिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास ऑपोजिट साइंस हैं, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव रैशनल्स. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टी 1, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, हमने ले लिया a/b, ये एक रैशनल नंबर है और m एक इंटीजर है, मतलब कि या तो 1, 2, 3 या तो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, -1, -2, -3, तो हम a/b को a/m/b/m भी लिख सकते हैं. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. देखिए ये एक हमारा रैशनल नंबर है -3/4. अच्छा ये कौन सा रैशनल नंबर है? नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइंस हैं. अच्छा तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे. तो अब -3/4 एक रैशनल नंबर है, हम कोई भी एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 2. ये देखिए कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, 2 ले लिया, और 2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब ये जो हमारे पास रैशनल नंबर आया है ये इसी के बराबर है. ओके, तो ये है प्रॉपर्टी 1 कि अगर a/b कोई रैशनल नंबर है और हमने एक कोई दूसरा नंबर ले लिया और उस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो नंबर है वो बदलेगा नहीं,
अभी भी ये जो ये नंबर आया है ये इसी रैशनल नंबर के बराबर होगा। तो देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया ना, क्या आया 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, और आगे साइन क्या लगा है माइनस, -6/8। तो हम कह सकते हैं कि -3/4 = -6/8। इसी तरह से अगर हम -3/4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर देते तो भी जो आंसर आता वो -3/4 के बराबर होता। बुक में देखिए -3/4 था ना, इसमें चाहे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करें, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करें, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करें, तो ये सब जो होंगे आपस में बराबर होंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग। सो -3/4 = -6/8 एंड सो ऑन। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग कहते हैं जो एक दूसरे के देखिए बराबर आ रहे हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इसी तरह से प्रॉपर्टी 2 है कि अगर हमारे पास a/b एक रैशनल नंबर है और हम एक दूसरा कोई नंबर ले लें m, उससे अपने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इसी के बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। एग्जांपल में देखिए -32/40 है ना, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से डिवाइड कर दें, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा मतलब कि -4/5 ये भी -32/40 के बराबर ही होगा, इक्वल होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल 33/44 ये एक नंबर है ना, तो क्या ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में अभी कुछ कॉमन है। कोई एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 33 भी आता है और 44 भी आता है। कौन सा नंबर है वो? 11 है। 11 × 3 = 33 and 11 × 4 = 44। ओके, तो हमने इसको यूँ कैंसिल कर दिया, रिड्यूस करना तो आपको आता है ना, तो अब 33/4 किसके बराबर हो गया? 3/4 के बराबर हो गया। अब देखें 3/4 में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो? नहीं, 1 के सिवा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो अब हम कहेंगे कि 33/44 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 3/4 है। नाउ प्रॉपर्टी थ्री क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, जैसे कि हमने ले लिए a/b और c/d, तो अगर a × d a × d और b × c बराबर हैं आपस में, तो ये दोनों रैशनल नंबर भी बराबर हैं। देखिए a/b और c/d दो रैशनल नंबर है ना, तो अगर a × d और b × c देखिए आपस में बराबर हैं, तो a/b और c/d भी बराबर होंगे, इक्वल रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 5/10 एक रैशनल नंबर है और 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लोगों को पता करना है कि ये दोनों बराबर हैं क्या आपस में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 5 × 2 करना होगा, और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 10 × 1 करना होगा। अब देखिए आंसर 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर्स भी 5/10
और 1/2 भी एक दूसरे के बराबर हैं।